नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर। जी हाँ, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं। जी हाँ, जस्टिस मुक्ता गुप्ता। इन्होंने अपने रिटायरमेंट के एक दिन पहले 65 फैसले लिए, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में। और वो जो फैसले भी लिए हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, और वाकई ये एक मील का पत्थर साबित हो गया है न्यायिक व्यवस्था में, जहाँ केस भारतीय कानून व्यवस्था में 10 10 20 20 30 30 50 50 साल तक केस चलते हैं, व्यक्ति की पीढ़ियां गुजर जाती हैं, एक एक दिन में एक फैसला भी नहीं हो पाता, तारीख पे तारीख डलती जाती है। जी हाँ, ऐसे में एक जज ने इतना बड़ा निर्णय लिया, और इससे पहले भी वो इस तरह के कार्य करती रही हैं, तो सबको पता होना चाहिए। जस्टिस मुक्ता गुप्ता 26 जून 2023 को रिटायरमेंट के एक दिन पहले उन्होंने 65 फैसले सुनाए। जी हाँ, ये एक तरह का एक रिकॉर्ड ही है, वाकई इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अलग अलग डिवीजन बेंचों की सुनवाई करते हुए जस्टिस गुप्ता ने तरह तरह के मामलों में निर्णय लिए, इसमें हत्या से लेके बलात्कार के मामले से लेके अपील और मृत्यु दंड पाए कैदी को सजा को 20 साल तक उम्र कैद में बदलना बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। क्योंकि इस वक्त अदालत की छुट्टी चल रही है, ऐसे में तय वक्त पर तयशुदा बेंच ही बैठती है, गिनी चुनी बेंच बैठती है, केवल अर्जेंट मामलों में ही सुनवाई हो पाती है, फैसला तो सुनाने की नौबत ही नहीं आ पाती, केवल अर्जेंट मामलों की ही कुछ सुनाई हो पाती है। किंतु सोमवार का दिन बदल गया जब इन्होंने एक के बाद एक 65 फैसले सुनाए। उस दिन जस्टिस गुप्ता की बेंच के सामने वकीलों की और वादियों की भीड़ लग गई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई हाई प्रोफाइल मामलों की भी जिरह की थी। इनके बारे में जानने से पहले इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जस्टिस गुप्ता और जस्टिस अनीस दयाल की बेंच ने 12 साल की बच्ची की फिरौती के लिए अगवा करने और हत्या के आरोपी की व्यक्ति को मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। 20 साल से पहले कैदी की रिहाई नहीं हो सकती। जस्टिस ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम मामलों में नहीं आता है, यह ऐसा मामला नहीं है जब दोषी के सुधार होने की संभावना नहीं होती है। इसी बेंच ने एक अलग निर्णय लेते हुए हिरासत से प्रताड़ित किए जाने के कारण 26 वर्षीय युवक की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश के 5 पुलिसकर्मियों को दोषी सिद्ध करार दिया और उन्हें सुनाई 10 साल। अदालत ने पीड़ित का अपहरण करने के लिए छठे दोषी निरीक्षक कुंवर पाल सिंह को सजा सुनाई और 3 साल की सजा को भी बरकरार रखा। पीठ ने 60 पन्नों के फैसलों में शिकायतकर्ता पीड़ित के पिता की इस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 जो गैर इरादतन हत्या की बजाय दोषियों की धारा 302 के तहत दोष सिद्धि होने का अनुरोध किया गया था। आइए जस्टिस मुक्ता गुप्ता के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, इनके बैकग्राउंड के बारे में। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में 14 साल जज के तौर पर गुजारे हैं। एक आम व्यक्ति के मन में पुलिस, वकील, कोर्ट के बारे में एक बहुत ही अच्छी छवि नहीं है, बहुत गलत छवि है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और समाज को सुधारना चाहते हैं, किंतु सिस्टम ऐसा है कि सुधार नहीं पाते हैं। कुछ लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। न्यायमूर्ति गुप्ता मैडम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के छठे वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं। यह वर्तमान में उच्च न्यायालय के 10 वरिष्ठतम न्यायाधीश में से एकमात्र महिला है। न्यायमूर्ति गुप्ता जी को 23 अक्टूबर 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त
न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 29 मई 2014 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में कंफर्म किया गया। उनका जन्म 26 जून 1961 को हुआ था और उनकी पढ़ाई दिल्ली के मैंटफोर्ड स्कूल में हुई। उन्होंने 1980 में हिंदू कॉलेज दिल्ली के विश्वविद्यालय में प्राणी शास्त्र में ऑनर्स के साथ जीवन विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। 1983 में गुप्ता ने कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली में कानून की डिग्री प्राप्त की। हाँ, उन्होंने बायोलॉजी में पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में वकालत में आई। वो उन्होंने 84 में एक वकील के रूप में दिल्ली बार काउंसिल में एडमिशन लिया। पिछले साल में ही जस्टिस गुप्ता ने करीब 220 से अधिक फैसले लिखे और उनका हिस्सा रही हैं। इसके अलावा भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिए जिनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा। रिटायरमेंट के दिन जस्टिस मुक्ता गुप्ता जी ने अपने वकील पिता की याद करते हुए कहा कि वह हमेशा उन्हें सलाह देते थे कि भले ही हर मामला आपको अदालत में कुछ नया सिखाता है, उन्हें अदालत में तभी पेश होना चाहिए जब उन्हें ठोस आधार बनाया जाए। वकील रहते हुए जस्टिस गुप्ता ने तमाम हाई प्रोफाइल केस और क्रिमिनल दोनों की पैरवी की। दिल्ली सरकार ने सन 1993 में उन्हें एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया था, जबकि साल 2001 में स्टैंडिंग काउंसिल क्रिमिनल नियुक्त हुई। जस्टिस मुक्ता ने वकील रहते हुए जेसिका लाल मर्डर केस, नीतीश का तारा मर्डर केस और नैना साहनी जैसे मशहूर मुकदमे लड़े और इन केसेस में हाई प्रोफाइल लोगों को सजा दिलवाई। हर व्यक्ति को जो कॉलेज जाता है उसे जेसिका लाल मर्डर केस, नीतीश कटारा मर्डर केस, नैना साहनी जैसे मामले पता होने चाहिए। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय था, जो कार्य था, वो जीबी रोड से 300 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाना। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कार्य था। इन्होंने पहले योजना बनाई और आखिर में जीबी रोड से 300 से अधिक नाबालिग लड़कियों को छुड़ाने में सफल रही। इन लड़कियों को प्रॉपर सिक्योरिटी दिलवाई गई, काउंसलिंग कराई गई और रोजगार की व्यवस्था की गई ताकि वो अपने परिवार पर खड़ा हो सके। इस प्रक्रिया में उन्होंने बहुत सी लड़कियों की शादी कराकर उन्हें सेटल कराया। यह समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य था जो हर कोई नहीं कर पाता। यह उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी, एफर्ट था जो उन्होंने ऐसा काम किया। समाज आशा करता है जस्टिस गुप्ता से कि रिटायरमेंट के बाद भी वे समाज के लिए काम करें। अगर सरकार उन्हें दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आमंत्रित करती है तो उन्हें जरूर जाना चाहिए और न्याय व्यवस्था के लिए कार्य करना चाहिए। नहीं है तो समाज में रहकर काम करें, बच्चों महिलाओं की आर्थिक सुधारने के लिए जितने कड़े फैसले ले सकते हैं उसके लिए उन्हें कार्य करना चाहिए। आदरणीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री महोदय जी से आग्रह करेंगे कि इन्हें किसी संस्था का अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसे मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया जाए या कुछ ऐसा पोस्ट दी जाए ताकि ये अपने अधिकारों का प्रयोग करके समाज में एक नई क्रांति ला सकें, लोगों को उनका हक दिलवा सकें। ऐसे लोगों को हमारा सैल्यूट है। धन्यवाद।